नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए जानते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। अंतागढ़ के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में एक रॉकेट मिला है। कोसरुंडा एसएसबी कैंप से कुछ दूरी पर निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पास इसे बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों ने इसे जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से दागा, मगर ये फटा नहीं। एसएसबी के जवानों ने गश्त के दौरान इसे बरामद किया है। बम डिस्पोजल टीम ने इसे बाद में ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। एसएसबी के जवान निर्माणाधीन रावाघाट रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए गश्त पर रवाना हुए थे। इस दौरान कैंप से कुछ दूरी पर ही जवानों की नज़र देशी रॉकेट पर पड़ी। इस तरह के विस्फोटक नक्सली खुद तैयार करते हैं। एसएसबी का कहना है कि यह बम पुराना हो सकता है, जो कि नक्सलों के द्वारा हथियार से दागा गया था, लेकिन मिस फायर होने के कारण ब्लास्ट नहीं हो सका। एएसपी गोरखनाथ बघेल का कहना है कि यह नवंबर माह में इसी इलाके में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान नक्सलों के द्वारा दागा गया लॉन्चर हो सकता है, जो कि आज सर्चिंग के दौरान बरामद हुआ है। बता दें, इस मुठभेड़ में 8-8 लाख के इनामी 3 बड़े नक्सली लीडर मारे गए थे। अब इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों, वन क्षेत्रों के समूहों द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों जैसे शहद, वनौषधि, बस्तर सिल्क की कलाकृतियां, हैंडलूम वस्त्र, कोसा वस्त्र जैसे विशिष्ट उत्पाद शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए सीजी मार्ट प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीजी मार्ट में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हो और इसका लाभ उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि सीजी मार्ट पहले राजधानी रायपुर, फिर संभाग और जिला स्तर पर प्रारंभ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीजी मार्ट में तेलघानी से सरसों, अलसी, राई आदि के तेल भी बिक्री के लिए रखे जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा हाल ही में तेलघानी बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सरगुजा संभाग के 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज रायपुर पहुंचे। दांडी यात्रा कर सफाई कर्मचारी सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर पहुंचे। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले हुआ। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार ने बड़े वादे किए, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी सहित पूर्णकालीन रखने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ट्रेन में मिली मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को परिजनों तक पहुंचाने में आरपीएफ और रायपुर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। लड़की के परिजनों ने लड़की के सुरक्षित वापसी के लिए आरपीएफ और रायपुर पुलिस का आभार जताया है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को रात्रि करीबन 9 बजे आरपीएफ थाना डोंगरगढ़ से न्यू राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के पास कॉल आया कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से एक 19 वर्षीय लड़की को संदेह पर ट्रेन ड्यूटी स्टाफ द्वारा उतारा गया है। लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की अपने पिता का नाम रवि रवानी बताते हुए तेलीबांधा एरिया का पता बता रही है। तो यह थी प्रदेश की आज की कुछ प्रमुख खबरें। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक जरूर करें।